हेलो दोस्तों, डिजिकन सीसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबीसी आईडी के बारे में कि आप एबीसी आईडी किस तरह से बना सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, यहाँ पर सर्च करना है एबीसी आईडी। कुछ इस तरह से हम सर्च कर लेंगे यहाँ से एबीसी आईडी। यहाँ पर आपको जो पहली वेबसाइट दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखेगी, यहाँ पर ऊपर आप कॉर्नर में देख सकते हैं लाल माई अकाउंट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डिजी लॉकर की आईडी पासवर्ड, अगर आपके पास पहले से है तो यहाँ से बना लें, वरना नया भी आप क्रिएट करते हैं। हम नया बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले नाम लिख देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, मेल ईमेल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगी, ओटीपी डाल देंगे यहाँ पर। उसका आधार नंबर पर भी एक ओटीपी जाएगी, तो वहाँ से आपको इसको भी वेरीफाई कर देना है। दोनों चीज़ें वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर ओटीपी आपको डाल देना है आधार वाला। कुछ समय वेट करेंगे ओटीपी के लिए। तो हमारा ये ओटीपी आ गया है, अब हम यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर से वहीं पर आ जाना है और यहाँ पर फिर लॉगिन करना है। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और जो आपने पिन बनाया है डिजी लॉकर का, उसका यहाँ पर पिन डाल देना है और यहाँ पर साइन करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक और ओटीपी भेजी जाएगी, ओटीपी का अपन को इसमें डालकर साइन कर लेना है। साइन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी में हम इनरोलमेंट नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, बाकी इतने ऑप्शन हैं, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू में आपको इनरोलमेंट नंबर लिख देना है। यहाँ पर लिखने के बाद आप यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है तीसरे ऑप्शन में, और चौथे ऑप्शन में आपको ईयर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर नीचे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से हमारा एबीसी आईडी क्रिएट हो चुकी है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये यह हमारा एबीसी आईडी का ये कार्ड उनको कस्टमर को प्रिंट करके आप दे सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह का आईडी कार्ड आप कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। और आगे